नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योतिष से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड बर्थ, यानी संतान, सुख प्राप्त होना। और जो IVF तकनीक है, IVF के द्वारा जो संतान सुख लोगों को मिलता है, यानी वो कौन से ऐसे कुंडली में योग है जिसके कारण पेरेंट्स को IVF के लिए जाना पड़ता है। IVF आज के समय में महंगा भी है, काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं और सामान्यतः पहली बार में IVF सक्सेस भी नहीं होता तो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी करना होता है। तो जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने सीखा है, कुंडलियों पे देखा है, वो मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ कि कुंडली में वो कौन सा ऐसा योग है जो ये इंडिकेट करता है कि आपको IVF की तरफ जाना होगा। तो पंचम भाव संतान सुख का होता है, तो पंचम भाव का संबंध जब पांचवे से बनता है तो ऐसी स्थिति में संतान सुख होगा, लेकिन साथ ही साथ जब इसका संबंध चौथे, आठवें, बारहवें से भी बन जाए तो संतान सुख सामान्य तरीके से नहीं होगी, आपको IVF के तरफ जाना होगा। यानी यदि पांचवे भाव का संबंध पांचवे भाव के साथ साथ चौथे, आठवें और बारहवें भाव से बने तो ऐसी स्थिति में IVF की संभावना बनती है। क्लियर हो गया? यहां मैं आपको एग्जाम्पल चार्टिस लेने ही दिखा रहा हूं कि आप स्वयं से अपनी कुंडली को जज नहीं कर सकते, क्योंकि संबंध बनने की बात है, संबंध कई आधार पे बनते हैं। वो चाहे भावों के आधार पे बन रहे हो या फिर नक्षत्रों के आधार पे बन रहे हो या फिर रेस्पेक्ट के आधार पे बन रहे हो, अलग अलग इसमें ये पूरा ज्योतिष का गुण ही सब्जेक्ट है। तो आप यदि ज्योतिष नहीं जानते तो आपको समझ में आएगी नहीं, और यदि ये समस्या आपके साथ है, आपके परिवार के किसी के साथ है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आपकी जानकारी, आपके विश्वास का जो भी एस्ट्रोलॉजर है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उनका जो फी है वो दीजिए और इस चीज़ को जानिए। क्योंकि अब सभी फील्ड में जो हमें समस्या आती है उसके लिए तो हम सीख तो नहीं लेते, स्वयं से नहीं कर लेंगे, बीमारी होगी तो हम डॉक्टर तो स्वयं नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ऐसी कंडीशन में स्वयं ही ज्योतिष बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ मैंने ये रूल आपको बताया। अब क्या होगा कि कुछ केसेज ऐसे भी होंगे कि यदि आपकी या आपके पार्टनर की राहु की दशा चल रही है, तो हो सकता है जो ये नियम मैंने बताया कि पांचवे भाव का संबंध यदि पांचवे के साथ चार, आठ, बारह, यदि आपकी कुंडली में यह संबंध नहीं बन रहा है और फिर भी डॉक्टर ने कहा कि IVF कराना होगा, तो राहु की दशा में और खासकर राहु यदि छठे भाव से संबंधित हो तो डॉक्टर मिसगाइड होता है, मिसगाइड हो जाते हैं, यानी वो बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाते। तो कभी भी एक ओपिनियन पे आप डिसीजन मत लीजिए, दो तीन डॉक्टर से आप मिलिए फिर देखिए। पहला। दूसरा, मैं यहाँ आपको एक एडवाइस करूंगा कि हमारी कुंडली में नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं का संबंध भी संतान सुख से होता है। तो यदि कोई वास्तु एक्सपर्ट भी आपके विश्वास के होंगे और यदि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो वास्तु एक्सपर्ट भी हो तो आपका काम और आसान हो जाएगा, जहां भी आपका घर है उसके आसपास के नजदीकी कि वो आपके घर को विजिट कर सके, तो आप उनसे परामर्श लें। जैसे आप उस वास्तु दोष को दूर कराएंगे या उस घर को आप बदल देंगे तो वास्तु आधारित लाभ आपको मिल जाएगा और हो सकता है कि सामान्य तरीके से गर्भाधान, गर्भधारण हो जाए। तो ये चूंकि दो तीन केसेस मेरे पास इधर आए और मैंने देखा जो लोग मेरे जो क्लाइंट हुए उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 28 था, 32 साल, 34 साल ऐसे उनका उम्र था, और ये समस्याएं जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया वो उनकी कुंडली और वास्तु में भी था, इसलिए सोचा कि आप सबके साथ ये बताया जाए। एक जानकारी यहाँ और मैं आपको दूंगा, 4 फरवरी से मेरा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है, यानी कुंडली का कंप्लीट विश्लेषण करना, जो भी चाइल्ड बर्थ है, मैरिज टॉपिक है, बिजनेस है, नौकरी है, प्रश्न कुंडली है, बीमारी है, इन सब को यानी कुंडली देख के प्रिडिक्ट करना, सभी प्रश्नों का उत्तर जानना और साथ ही साथ जो ग्रह दोषों के उपाय हैं उनके क्या उपाय किए जाएं, रत्न के द्वारा, मंत्र के द्वारा, हाउस एक्टिवेशन के द्वारा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ये सब आपको बताया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर लेंगे, बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।